आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के सेकंड क्वेश्चन पेपर में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के बाकी सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना। बीएससी बीएड से जुड़ी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा इन क्वेश्चंस के पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन हब को ज्वाइन कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है बैक्टीरिया तथा बैक्टीरियोफेज में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है परऑक्सीसोम क्या है, इसकी संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है सक्रिय परिवहन का क्या महत्व है, तंबाकू के मोजेक वायरस पर नोट लिखिए। चौथा क्वेश्चन है एडिनो वायरस से आप क्या समझते हैं, वायरोइड एवं प्रियोन्स की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति के कार्यों का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन है शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में अंतर बताइए। सातवा क्वेश्चन है एक गुणिता एवं अगुणिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन है द्वितीय टेलोफेज एवं मेटोफेज को स्पष्ट कीजिए। नौवां क्वेश्चन है रीतिका पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। दसवां क्वेश्चन है बी गुणसूत्र व शिरस्थ विलोपन से आप क्या समझते हो। ग्यारहवां क्वेश्चन है लयनकाय व प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसकी संरचना प्रकार तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। बारहवां क्वेश्चन है परिकेंद्रीय व स्वबहुगुणिता पर टिप्पणी लिखिए। तेरहवां क्वेश्चन है जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर बताइए। चौदहवां क्वेश्चन है डुप्लीकेशन व गोसिपियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पंद्रहवां क्वेश्चन है अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सोलहवां क्वेश्चन है घातक अथवा लीथल जीन्स पर टिप्पणी लिखिए। सत्रहवां क्वेश्चन है युग्म विकल्पी क्या है, प्रभावी एवं अप्रभावी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अठारहवां क्वेश्चन है ब्रेक कोश व पुन्नेट स्क्वायर पर टिप्पणी कीजिए। उन्नीसवां क्वेश्चन है जीनोटाइप क्या होता है, मेंडल की सिद्धांतों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। बीसवां क्वेश्चन है पूर्ण तथा अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं। इक्कीसवां क्वेश्चन है लिंग गुणसूत्र व उभयलिंगता क्या है। बाईसवां क्वेश्चन है ड्रोसोफिला में श्वेत नेत्र की वंशागति की व्याख्या कीजिए। तेईसवां क्वेश्चन है क्रिस क्रॉस अनुवांशिकी पर टिप्पणी लिखिए। चौबीसवां क्वेश्चन है लिंग मोजाइक किन व्यक्तियों को कहते हैं। पच्चीसवां क्वेश्चन है ड्रोसोफिला में स्त्री पुरुष या गाइनेंड्रोमॉर्फ से आप क्या समझते हैं। तो ये थे सेक्शन ए में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेक्शन बी में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया व सूत्रकणिकाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है प्रजनन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए व माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए। चौथा क्वेश्चन है जीन की परिभाषा लिखिए, जीन की आधुनिक धारणा पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है असगुणिता व स्वबहुगुणिता पर संक्षिप्त निबंध लिखिए व पॉलीप्लाइडी कितने प्रकार के होते हैं। छठा क्वेश्चन है लवक क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, हरित लवक का विस्तृत वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन है मेंडल के पृथक्करण का नियम का वर्णन कीजिए व मेंडल की सफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन है लिंग निर्धारण एवं लिंग विभेदन में क्या अंतर है, जंतुओं में लिंग निर्धारण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। नौवां क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर एवं जेनेटिक पुनर्मिलन की क्रियाविधि के सिद्धांत को समझाइए। दसवां क्वेश्चन है राइबोसोम का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये थे सेक्शन बी में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेक्शन सी में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवधारियों को मुख्य वर्गों में व्यवस्थित करके प्रोकैरियोटिक प्रोटेस्ट के मुख्य लक्षणों का वर्णन करिए। किस प्रकार सूक्ष्म जीवधारी मानव जीवन को लाभ पहुंचाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है
मानव के लिंग निर्धारण का वर्णन करिए। मानव में एक्स तथा वाई गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण कैसे होता है। तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्द्रव्य जालिका से आप क्या समझते हो, इसकी संरचना, प्रासंरचना, प्रारूप तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। उपयुक्त चित्र की सहायता से मेंडलीय कारकों के रूप में गुणसूत्रों का प्रयोग करते हुए मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, एक स्थानांतरण विषम युग्मज में अर्धसूत्री विभाजन का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। इसमें बनने वाले विभिन्न प्रकार के संभावित युग्मक कौन से हैं, बताइए इनमें से कौन से युग्मक प्रकारियक होंगे। तो ये थे सेक्शन सी में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है।